हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मेथी भाजी को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से इसकी भाजी को तोड़कर हम कैसे तैयार करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है और ठंडी में हमें ताजी ताजी हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाने को मिलती है। तो ये देखिए, मैंने मार्केट से किलो भर मेथी भाजी लाया है इसको सब्जी बनाने के लिए। अब इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है फ्रेंड्स, कहे जाए तो बहुत ही बोरिंग होता है। इसको तोड़ने के लिए बैठो ना तो घंटा दो घंटा समय लग ही जाता है, क्योंकि हमें इसकी पत्तियों को एक एक चुनना पड़ता है, इसके डंठल को अलग करना पड़ता है भाजी से, तो बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो इसी को देखते हुए मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसके चलते ना आप किलो भर मेथी की भाजी ना केवल 10 मिनट में तोड़कर रेडी कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही एंटरटेनमेंट ट्रिक है। जैसे अगर आप बच्चों को दोगे तो वो भी बहुत ही मज़े के साथ करेंगे और आप भी तोड़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, कोई बोरिंग नहीं लगेगा भाजी तोड़ना, इसको साफ़ करना, और बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से आप किलो भर मेथी भाजी केवल 8 से 10 मिनट में तोड़ कर रेडी कर पाएंगे। तो देखिए, और आप भी बहुत ही कम समय में कोई भी भाजी हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेथी भाजी लिए हैं, आप कोई भी भाजी ले सकते हैं, वो आपको तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और इसके जो नीचे मिट्टी लगा हुआ रहता है ना जड़, उसको काट लिए हैं, ये देखो इस तरीके से। एक बात और फ्रेंड्स, भाजी को हम बिना धोए ही तोड़ेंगे, इसको हमें धो के नहीं तोड़ना है, नहीं तो धोएंगे ना तो ये चिपकने लगेगा गीला की वजह से। तो इसको हम बिना धोए ही तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तो हमें क्या लेना है, इस तरीके से भाजी वगैरह धोने के लिए जो बर्तन रहता है ना, जिसके सभी तरफ छेद रहते हैं, ये देखिए, इसका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे सब्जी वगैरह धोने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये किचन में डेली यूज़ होने वाला बर्तन है। तो इस तरीके से बर्तन ले लीजिए आप, जिसके सभी तरफ छेद हो। अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है ना, तो जो चम्मच रहता है ना जिसमें हम लोग चावल वगैरह बनाते हैं तो यूज़ में आता है, वैसी वाला चम्मच आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से छेद में हमें भाजी के डंठल को घुसा लेना है। देखिए, जो डंठल साइड है उसी साइड से, उसकी जड़ रहता है उसी साइड से घुसाना है और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। आप देखिए कितने आसान तरीके से, कितने ईजली ये भाजी जो है टूट कर तैयार हो रहा है। डंठल इसका पूरा अलग हो जा रहा है और भाजी जो है बिल्कुल ही अलग हो जा रहा है। नहीं तो आप मेथी की भाजी को जब तोड़ते हैं तो देखे होंगे इस तरीके से उसके डंठल टूट जाते हैं और उसमें रेशा आने लगता है, तो ये रेशे को भी हमें तोड़ना पड़ता है। नहीं तो ये भाजी को जब हम पकाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम तोड़ेंगे तो इसके जो पत्तियाँ हैं वही बस इस बर्तन में आएंगे और जो डंठल है वो बाहर होते जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम समय में आपका भाजी जो है टूटकर तैयार हो जाएंगे। आप बहुत ही आसानी से तोड़ पाएंगे, बच्चों को भी देंगे तो वो भी मज़े से तोड़ेंगे। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप इसी प्रकार से और दूसरे भाजी को भी तोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ धनिया, हरी धनिया, ये देखिए इस तरीके से जो फल लगा हुआ धनिया रहता है, ये देखिए, तो इसको भी तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मार्केट से लाते हैं फिर इसको भी तोड़ने के लिए हम बैठते हैं तो घंटा दो घंटा लग जाता है। तो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल इसी ट्रिक से तोड़ सकते हैं। देखिए, इस तरीके से डंठल को छेद में घुसा लेना है और पीछे की तरफ खींचना है। जितना भी धनिया का बीज रहता है ना, वो टूट कर बर्तन में आ जाते हैं और डंठल जो है बाहर हो जाते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक फ्रेंड्स, आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी तो सीज़न है इस तरीके से बीज वाले धनिया की और हरी सब्जियों की। वैसे मेथी का भाजी तो बहुत ही पौष्टिक होता है फ्रेंड्स, जो लोग डाइट कर रहे हैं ना, वजन घटाना चाहते हैं, तो वो मेथी की भाजी की सब्जी की बनी डिश ज़रूर खाएं। जैसे पराठा वगैरह में हो गया, मेथी की पराठे बनाते हैं ना इस तरीके से, और मेथी की भाजी बनाकर आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है इसमें फ्रेंड्स, वेट लॉस करने के लिए, वजन को कम करने के लिए मेथी जो है बहुत ही कमाल की है। आप इसको यूज़ में ज़रूर लें। मेथी के तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप देखिए, मैं आपसे बात कर ही रही हूँ और मैं केवल 5 से 7 मिनट में कितना सारा भाजी तोड़कर रेडी कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, आप भी इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। मेथी की भाजी तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं तो इसको हफ्ते में 1 से 2 बार बनाती ही हूँ। आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेथी की भाजी कैसी लगती है, और ये भी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। आप भी इस तरीके से भाजी तोड़ के देखिए, यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका बहुत ही ज़्यादा समय बचेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो इसी प्रकार के और नए नए वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के और नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।